हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बिलवेड चैनल द राइडर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो गाइस, आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर एंड आई अंडरस्टैंड दिस टोटली वेल, एंड इवन बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग मोर व्लॉगिंग आई वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर द आउटकम। आई ऑलवेज न्यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड येट आई डिसाइडेड टू स्पीक द ट्रूथ। आई वोंट बी सेइंग द पॉपुलर थिंग्स बिकॉज पीपल वांट कंफर्टिंग लाइज एंड नोबडी वांट्स द बिटर ट्रूथ। नोबडी वांट्स टू पोक आउट ऑफ देयर कंफर्ट बबल एंड फेस द बिटर ट्रूथ। And since I dared to speak the truth, I always knew that I will be ostracized by the society. I knew about the consequences. I knew about the repercussions of speaking the truth, and yet I decided to speak the truth. The movie character that I associate with the most is Detective Spooner from the movie iRobot. In that movie, the main character that was Detective Spooner, which was played by Will Smith, he was constantly trying to make the society aware of the impending danger, but the people, the society was completely ignorant. They treated Detective Spooner as some crazy, paranoid, robophobic maniac, but he had the foresight to see what was coming, and that is why he was constantly trying to tell everyone about the danger that was looming above their head, and people did not listen to him, and eventually he was vindicated and the society and the people had to suffer because of their own ignorance. और आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्तों, आप आज के बाद इसके बाद कभी भी सारे जहां से अच्छा नहीं गाएंगे। सो दोस्तों, आप लोग ये गाना वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा क्यों गाते हैं? Because they evoke an emotion of patriotism in you, because these songs represent something, they stand for something, right? But how would you feel if I tell you ki sare jahan se acha jo gana hai, it stands for the death and genocide of 2.1 million Indians, that is 21 lakh people. And this is not a number that I have concocted in my mind, this is according to the Indian government data. हमारे देश के पार्टीशन में 2.1 मिलियन लोग मारे गए थे, 21 लाख लोग मारे गए थे। अब आप लोग पूछेंगे कि पर पार्टीशन का इस गाने सारे जहां से अच्छा से क्या लेना देना है? बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी सारे जहां से अच्छा गाते हुए बड़ा हुआ हूं। हमारे स्कूल्स के असेंबली प्रेयर्स में इस गाने को गाया जाता था, और हमारे देश के तमाम स्कूलों के असेंबली प्रेयर्स में आज भी इस गाने को गाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी ये गाना हर गली में बजाया जाता है। दैट इज़ बिकॉज पीपल डोंट नो द रियलिटी ऑफ दिस सॉन्ग, इस गाने की सच्चाई के बारे में लोग नहीं जानते हैं। सो दोस्तों, सच तो ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना लिखा था मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने, द सेम मैन हु ब्रोक दिस कंट्री एंड क्रिएटेड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स कॉल्ड पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जिसने अपने इस गाने में ये लिखा था मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी ने इस देश को तोड़ के मुसलमानों के लिए एक अलग से देश बनाया था। Isn't this the biggest plagiarism? Well, अभी तक बात ख़त्म नहीं हुई है, आगे और सुनिए। मोहम्मद अल्लामा इकबाल के नाम पे पाकिस्तान में नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है उसके बर्थडे पर, जो कि 9 नवंबर को पड़ता है। ही वॉज द एक्चुअल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, नॉट मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोग अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा द एक्चुअल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वॉज मोहम्मद अल्लामा इकबाल। और यही नहीं दोस्तों, इसने अपने इस गाने को प्लेजराइज करते हुए बाद में एक तराना मिल्ली लिखा था, जिसमें उसने लिखा था चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। आगे और लिखा उसने, कर दे फकत इशारा अगर शाहे खुरासान, सजदा ना करूं हिंद की नापाक ज़मीं पर। ये बोलने वाला ये गद्दार जब पाकिस्तान बनता है तो सरहद के उस पार ऑब्वियसली चला जाता है, अपने ही बनाए हुए देश में क्यों नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये सब शॉकिंग बातें जो हैं ये उन स्कूलों के असेंबली प्रेयर में गवाने वाले उन स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी नहीं मालूम है, जिस वजह से वो लोग बच्चों द्वारा ये गाना गवा रहे हैं। अगर उनको ये सच्चाई मालूम होगी कि इस गाने के पीछे एक डार्क हिस्ट्री है, इस गाने के पीछे इतना एक दर्दनाक पास्ट है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पेरेंट या कोई प्रिंसिपल चाहेगा कि ये वाला गाना उनसे गवाया जाए। जब इल्मुद्दीन ने महाशय राजपाल की हत्या की थी, तब भी इसने कहा था असी वेख दे रह गए ऐतर खाना दा मुंडा,
बाजी ले गया, इसका मतलब होता है हम देखते रह गए और पढ़ाई का लड़का सवाब ले गया। मतलब बेसिकली वो उसकी तारीफ कर रहा था जब महाशय राजपाल की हत्या की गई थी। और महाशय राजपाल कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा गांधी वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि उसमें महाशय राजपाल कौन थे, वो आपको पता चल जाएगा। इस देश को तोड़ने वाले शख्स के लिखे हुए गाने को हमको गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। अगर आप फिर भी गाते हैं तो भाई और मैं क्या ही कह सकता हूँ। और दोस्तों कल 15 अगस्त है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर जनगण मन पे खड़े हो रहे हैं, आप अगर राष्ट्रगान पे खड़े हो रहे हैं, तो अपने चेस्ट पे इस तरीके से या इस तरीके से हाथ को ना रखें, क्योंकि ये जो पोस्चर है ये अमेरिकन नेशनल एंथम ओ से कैन यू सी का पोस्चर है, और अमेरिकन इस तरीके से खड़े होते हैं। हमारा नेशनल एंथम का जो पोस्चर है उसमें आपको बिल्कुल सीधा सावधान पोजीशन में खड़ा होना है, उसमें कोई चेस्ट पे हाथ रखने की प्रथा नहीं है। और हम लोग अमेरिकन्स नहीं है, वी आर इंडियंस, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, एंड दैट इज़ वाई आप राष्ट्रगान जनगण मन जब आप गा रहे हैं तब आप कृपया करके एकदम सीधा खड़े हुए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज Why should we embrace someone else's culture when they are not willing to accept ours, when they don't even respect ours? और ये जो lack of respect है इसके बारे में मैं आप लोगों को future में बताऊँगा। As of now मैं बस इतना बता दूँ कि आप अगर उनके disrespect का नमूना देखना चाहते हैं तो आप बस देख लीजिए कि उनके movies में Indians को किस तरह portray किया जाता है, हमेशा cowards की तरह और एक हास्य के पात्र की तरह portray किया जाता है। So ये stereotype को यही लोग बनाते हैं। So that's it for today folks, I hope that you enjoyed the content today, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके सामने इसी तरीके से लाता रहूँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तब कॉमेंट सेक्शन में जाइए, अपना ओपिनियन दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।